हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया। चलिए, आप लोग को बढ़िया रहना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है और अपने लाइफ में खुशहाल रहना है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग को क्या बतलाने वाले हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए। 12th फिजिकल केमिस्ट्री का एक यूनिट है, यूनिट 1, जिनका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो इस यूनिट के 10 ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से क्या करेंगे, इस वीडियो में आप लोग को बतलाएंगे। और ये सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बैंक से वही क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा यानी वेरी वेरी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर क्या कर लोगे, पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लोगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें। ठीक है, तो नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, कौन सा ठोस, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग क्या कर लोगे, पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, 2022 बिहार बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जो है आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो देख लीजिए। शॉटकी त्रुटि तथा फ्रैंकल त्रुटि के बीच क्या अंतर है। ठीक है, शॉटकी त्रुटि तथा फ्रैंकल त्रुटि के बीच क्या अंतर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला अंतर, इसको तो हर हाल में आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये वाला अंतर जो है ना बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो इस अंतर को आप लोग को हर हाल में कंप्लीट ही कर लेना है। ठीक है, कौन सा अंतर है, शॉटकी त्रुटि तथा फ्रैंकल त्रुटि के बीच क्या अंतर है, ये वाला क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2016-2011 में आया हुआ है। 16-11 बिहार बोर्ड एग्जाम में ये अंतर जो है आया हुआ है, पूछा गया है। और ऐसे भी आज के वीडियो जो है स्पेशल बिहार बोर्ड क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन बिंदु दोष, कौन सा दोष, बिंदु दोष यहां पर लिखा हुआ है ना, बिंदु दोष। ठीक है, ये बिंदु दोष को परिभाषित करें, बिंदु दोष को क्या करें, परिभाषित करें। ठीक है, ये वाला दोष जो है ना 2009 और 2019 बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सब्जेक्टिव में 2009 और 2019 बिहार बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जो है आया हुआ है, बिंदु दोष को परिभाषित करें, इस दोष को कर लेना है कंप्लीट, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग को ज्यादा नहीं 10 ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट का क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में आप लोग को बतला रहे हैं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का आंसर जो है आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, कांच की अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, कांच की अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पांच देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पांच है फेरोचुंबकीय, कौन सा चुंबकीय, फेरोचुंबकीय तथा पाराचुंबकीय, फेरोचुंबकीय तथा पाराचुंबकीय में क्या अंतर है। ठीक है, फेरोचुंबकीय तथा पाराचुंबकीय में क्या अंतर है, ये भी अंतर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस अंतर को भी हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला भी जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2011 में आया हुआ है, बिहार बोर्ड 2011 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, जालक बिंदु, कौन सा बिंदु, जालक बिंदु। ठीक है, का अर्थ बताएं, जालक बिंदु का अर्थ बताएं। ठीक है, तो जालक बिंदु भी हम लोग क्या कर लेंगे, देख ही लेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, कौन सा ठोस, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, ये तो और ही और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। चलिए, ये क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, इस अंतर को भी हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, इनको भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये वाला भी अंतर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम लोग हल्का में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देख लीजिए, संकलन क्षमता क्या है, संकलन क्षमता क्या है। ठीक है, इस क्षमता को भी हम लोग क्या कर लेंगे, देख ही लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब तक कितना क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बतला दिए हैं। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और बतलाना है, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करना क्या है, कंप्लीट करना है बाबू। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, आज की वीडियो में आप लोग को जो है वही क्वेश्चन बतला रहे हैं,
जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, हर हाल में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखने से आप लोग को पता चल रहा है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को देखने से ही पता चल जाता है कि नहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बैंक से वही क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है जो बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। वही सब क्वेश्चन जो है आज के वीडियो में आप लोग को क्या कर रहे हैं, बतला रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिथियम बीसीसी रवा बनाता है अगर लिथियम के इकाई सेल, ठीक है, अगर लिथियम के इकाई सेल के एक तरफ की लंबाई, ठीक है, 351 पिकोमीटर है, ठीक है, तब उसके त्रिज्या की गणना करें। यह वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लिथियम बीसीसी रवा बनाता है, ठीक है, लिथियम बीसीसी रवा बनाता है, रवा लिखे यहां पे, रवा बनाता है अगर लिथियम के इकाई सेल के एक तरफ की लंबाई 351 पिकोमीटर है तब उसकी त्रिज्या की गणना करें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021-2017 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं, फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं। ये वाला दोष जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला दोष जो है ना बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। तो आज की वीडियो में आप लोग को क्या किए हैं, 10 ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या किए हैं इस वीडियो में आप लोग को बतलाए हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और जो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हो तो पहले फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो नए हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज की वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए धन्यवाद।